यदि मंत्रीवर और उनके भाई में से एक भी डेरे से अनुपस्थित हुआ तो हमारी चाल सफल हो सकती है। हम उन दोनों में से किसी एक को अपने वश में कर सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो नागराज, मंत्री और उनके भाई परमवीर सिंह को एक साथ परास्त करना बहुत कठिन है। शीघ्र करो सैनिक, शीघ्र करो। यदि दुर्गेश्वरी हमारे हाथ से निकल गई ना तो मंत्रीवर हम सबको फांसी पर लटका देंगे। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ, आप बाकी सैनिकों को अपने साथ ले जाइए। अब हमारे लिए अपने प्राण बचाने की सोचिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपके प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। हमने आपके बहुत अपमान सह लिए, किंतु अब हमें अपमानित करने के लिए आप जीवित नहीं रहोगे। पूर्व मंत्री रणवीर सिंह, तुम किस शत्रु की बात कर रहे हो अभय सिंह? हम समझे नहीं। रूपमती जी, आपका सबसे बड़ा शत्रु रणवीर सिंह मारा गया है। क्या, रणवीर सिंह मारा गया? ये तुम क्या कह रहे हो अभय सिंह? अब मंत्रीवर की स्थिति कैसी हो? वो ठीक तो है ना? यदि मंत्रीवर को कुछ हो गया तो मैं और महामहिम उस दुर्गेश्वरी को मारकर अपने प्राण भी त्याग देंगे। हुजूर, हमें बताइए। चिंता की कोई बात नहीं है नागराज, भाई जी अब बिल्कुल ठीक है, वो केवल मूर्छित है। क्या मंत्रीवर, हमारे बीच विचारों के मतभेद अवश्य है, किंतु इससे वो हमारे शत्रु तो नहीं हो गए? इस समय उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। दुर्गेश्वरी यहाँ इस गुप्त जंगल में अकेले? अरे ये तो अपने दो साथियों के साथ आई थी ना, फिर इसके साथी कहाँ लापता हो गए? निश्चित इनकी कोई योजना होगी कि अलग अलग होकर रूपनगर की सीमा तक पहुँचा जाए। यदि कहीं साथ साथ दिखाई दे तो कहीं संकट में न पड़ जाए। तुम ठीक कह रही हो, मैं अपनी चाल से इसे रोकने की कोशिश करती हूँ। तब तक तुम जाकर ये पता लगाओ कि इसके साथी किस ओर से रूपनगर की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, दुर्गेश्वरी बड़ी ही चतुर डाकू है। मेरी चिंता मत करो, अपनी मायावी जाल में इसे कैसे फंसना है ये मुझे बहुत अच्छे तरह से आता है। तुम जाकर बस इसके साथियों को रोकने का प्रयत्न करो। हाँ ठीक है। दुर्गेश्वरी, कुंवर, ये कुंवर विजेंद्र मुझे कौन से पद से ढूंढते हुए आए कि इतनी शीघ्रता से यहाँ पहुंच गए? ये क्या दुर्गेश्वरी, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया, इस जंगल में हमें अकेला छोड़कर चली गई। मुझे क्षमा करना कुंवर, लेकिन मैं तुम पर और संकट नहीं डालना चाहती थी। पहले ही रूपनगर के कारागार में तुम्हें बंदी बनाया जा चुका है, मैं तुम्हें साथ लेकर और संकट नहीं उठाना चाहती थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तुम अकेले ही अपने प्राणों को संकट में डालकर रूपनगर में प्रवेश करना चाहती हो, किंतु हम इतने कायर नहीं कि तुम्हारे प्राणों को संकट में देखकर भी इस जंगल में छिपकर बैठे रहें। दुर्गेश्वरी, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं कुंवर, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, क्योंकि यहाँ से आगे का पथ कठिनाइयों से भरा पड़ा है।
और यदि रणवीर सिंह के सैनिकों ने हम दोनों को एक साथ रूपनगर की सीमा पार करते हुए देखा तो अनर्थ हो जाएगा। वो हम दोनों को मार देंगे और सूर्य प्रताप को स्वतंत्र कराने का हमारा स्वप्न अधूरा ही रह जाएगा। नहीं दुर्गेश्वरी, हम तुम्हें किसी भी मूल्य पर अकेले जाने नहीं देंगे। यदि हमारे भाग्य में मृत्यु है तो हम दोनों साथ मरेंगे, किंतु अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मेरी बात मान लो कुंवर, और तत्काल उसी स्थान पर लौट जाओ जहां हम तुम्हें छोड़कर निकले थे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं सूर्य प्रताप को छुड़ाकर शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। यदि हमने तुम्हें अकेले जाने दिया तो हमारे भाई सूर्य प्रताप की दृष्टि में हम गिर जाएंगे। वो हमें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे कि हमने तुम्हें अकेले क्यों जाने दिया। देखिए कुंवर, अब हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारे शरीर अलग है किंतु आत्मा एक है, और वैसे भी तुम पर संकट ज्यादा है, और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। कुंवर मुझे जाने दो, वैसे भी मैं रूपनगर की सीमा के बहुत समीप पहुंच चुकी हूँ। नहीं दुर्गेश्वरी, हमारे और हमारे भाई सूर्य प्रताप के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं। दुर्गेश्वरी, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे जीवित रहने का क्या उद्देश्य रह जाएगा? एक बार सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े। कुंवर, दुर्गेश्वरी जब किसी उद्देश्य को पूर्ण करने निकलती है तो अपने प्राणों का मोह नहीं रखती। मुझ पर यकीन करो कुंवर, जब तक मैं सूर्य प्रताप को स्वतंत्र करके तुम्हारे पास लौट नहीं जाती, यमराज मेरे प्राण को छू भी नहीं सकते। अब मुझे जाने दो और तुम मेरी प्रतीक्षा यहीं पर करना। चलती हूँ कुंवर। सब अकेले क्यों घूम रहे हो? मंत्री वर रणवीर सिंह कहाँ है? तुम सब चुप क्यों हो गए? मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते? बताओ मंत्री वर रणवीर सिंह कहाँ है? मुझे उनसे कोई आवश्यक कार्य है। क्या आपको मंत्री वर रणवीर सिंह के विषय में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है भैरवी जी? सूचना? कैसी सूचना? मंत्री वर रणवीर सिंह पर प्राण घातक आक्रमण हुआ है। क्या? और इस समय वो वेदराज की कुटिया में मूर्छित पड़े हैं। मंत्री वर रणवीर सिंह पर किसी ने प्राण घातक आक्रमण कर दिया? शीघ्र बताओ कौन है वो जिसने ये आक्रमण करने का साहस किया है? शीघ्र बताओ, मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगी। किसी ने उस शत्रु को अपने नेत्रों से अभी तक तो नहीं देखा है, किंतु चर्चा है कि यह नीच कार्य डाकू दुर्गेश्वरी ने किया है। यदि ये नीच कार्य डाकू दुर्गेश्वरी ने किया है तो उसकी मृत्यु अब निश्चित है, क्योंकि मैंने उसे जंगल में कहीं ढूंढ लिया है। ये आपने अति शुभ सूचना दी है। हम भी डाकू दुर्गेश्वरी को ही खोज रहे थे। कहाँ है वो? हम उसका वध कर देंगे। दुर्गेश्वरी का वध अब कुंवर परमवीर सिंह के हाथों होगा।
जिस दुर्गेश्वरी ने मंत्रीवर रणवीर सिंह को घायल किया है उसे अब कुंवर परमवीर सिंह दंड देंगे। शीघ्र बताओ कुंवर परमवीर सिंह कहाँ है? कुंवर परमवीर सिंह तो इस समय वेदराज की कुटिया में पहरा दे रहे होंगे, क्योंकि मंत्रीवर रणवीर सिंह को मूर्छित अवस्था में छोड़ के वे कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें दुर्गेश्वरी को मंत्रीवर रणवीर सिंह और कुंवर परमवीर सिंह की अनुपस्थिति में ही बंदी बनाना होगा। मैंने गुप्त जंगल में एक स्थान पर दुर्गेश्वरी को देखा है, इससे पहले कि वो आगे बढ़े हमें उसे घेर लेना चाहिए। आदेश दीजिए, हम क्या करें? सबसे पहले हमें कुछ और सैनिक लाने होंगे, क्योंकि इतने कम सैनिक डाकू दुर्गेश्वरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मंगल, तुम शीघ्र से शीघ्र जाओ और कुछ और सैनिक लेकर गुप्त जंगल में उस स्थान पर पहुँचो। जो आज्ञा। और तुम सब मेरे साथ चलो, क्योंकि और सैनिक आने तक हमें दुर्गेश्वरी पर कड़ी दृष्टि जमाए रखनी होगी। चलो। देखो डाकू दुर्गेश्वरी वहां खड़ी है। लगता है दुर्गेश्वरी किसी की प्रतीक्षा कर रही है। डाकू दुर्गेश्वरी प्रतीक्षा तो विजेंद्र प्रताप सिंह की कर रही होगी, पर वो विक्रम सिंह सैनिकों के साथ आ रहा है। अब दुर्गेश्वरी चारों ओर से घेर जाएगी। अगर उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो अकाल मृत्यु को प्राप्त होगी। कहाँ है दुर्गेश्वरी? क्या मंगल ने हमें जो सूचना दी है वो सत्य है? तुमने 16 आने सत्य सूचना सुनी है। दुर्गेश्वरी को मूर्ख बनाकर मैंने उस स्थान पर रोके रखा है। वो देखो दुर्गेश्वरी वहाँ खड़ी है। तुम चिंता मत करो भैरवी, अब मैं आ गया हूँ। डाकू दुर्गेश्वरी को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। सैनिकों, डाकू दुर्गेश्वरी की सख्त घेराबंदी कर दो। डाकू दुर्गेश्वरी किसी भी कीमत पर बचकर नहीं निकलनी चाहिए। जाओ। चारों ओर से गिर चुकी हो, अगर अपने प्राण बचाना चाहती हो तो आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। आज तक रूपनगर के जंगलों में किसी योद्धा ने जन्म नहीं लिया जो दुर्गेश्वरी को बंदी बना सके। तुम सब ने मुझे अकेले देखकर घेर तो लिया है, लेकिन डाकू दुर्गेश्वरी को रोक पाना इतना सरल नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम सबका रथ बहा दूं, चले जाओ यहाँ से। रस्सी जल गई किंतु बल अभी भी शेष है। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, अगर तुमने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण नहीं किया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैं अपनी मृत्यु अपनी हथेली पर लेकर घूमती हूँ, लेकिन
मृत्यु आज मेरी नहीं तुम सबकी होगी, क्योंकि तुमने डाकू दुर्गेश्वरी को ललकारने का साहस किया है। डाकू दुर्गेश्वरी की ओर आगे बढ़ो और उसे छोरे में लेकर बंदी बना लो। पहले कि ये सब मुझे घेर ले, मुझे तत्काल अपने अस्त्रों का उपयोग करना होगा। दुर्गेश्वरी हमारे सभी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। हम नहीं जानते थे कि वो अपने साथ इतना गोला बारूद लेकर आएगी। हमारे सैनिकों के तो जैसे पैर उखड़ चुके हैं, सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि डाकू दुर्गेश्वरी हमारे चंगुल से बच निकलेगी। नहीं, भैरवी के रहते डाकू दुर्गेश्वरी बच के नहीं जा सकती। मैं उसे अपनी मायावी शक्ति से अपने बस में कर लूंगी। कुंवर, क्या हुआ दुर्गेश्वरी? तुम किससे लड़ रही हो? तुम समय पर आ गए हो कुंवर। रणवीर सिंह के सैनिकों ने हमें घेर रखा है और मेरे पास गोला बारूद भी कम है। हमें यहाँ से निकलने का तत्काल पथ ढूंढना होगा। दुर्गेश्वरी, इतने सारे सैनिकों के बीच में निकलना बहुत कठिन है। दुर्गेश्वरी, ऐसा करो, तुम हमें अपना सारा गोला बारूद दे दो। हम रणवीर सिंह के इन सैनिकों को यहीं रोकने का प्रयत्न करते हैं। किंतु कुंवर, मैं दुर्गेश्वरी, ये समय बातों में नष्ट करने का नहीं है। तुम अवसर का लाभ उठाओ और पीछे के गुप्त मार्ग से रूपनगर की ओर निकल जाओ। ला अपना गोला बारूद दुर्गेश्वरी हमें दे दो। किंतु कुंवर, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? यदि कुछ हो गया तो? हमें कुछ नहीं होगा दुर्गेश्वरी, तुम तत्काल यहाँ से चली जाओ। रूपनगर की सीमा में प्रवेश करने का ये बहुत अच्छा मौका है, और हमें अपना सारा गोला बारूद दे दो दुर्गेश्वरी, जल्दी करो। लाओ दुर्गेश्वरी। क्या हो रहा है कुंवर? हाँ, ये लोग तो निडर होके हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें रोको कुंवर। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता दुर्गेश्वरी, क्योंकि ये सब हमारे सैनिक हैं। किंतु डाकू दुर्गेश्वरी को बंदी बना लो। क्या हुआ दुर्गेश्वरी, तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है कि हमने तुम्हें बंदी बना लिया? किंतु जो तुम सोच रही हो वो हम नहीं है। हम नहीं है दुर्गेश्वरी, तुमने क्या सोचा? हम कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह हैं। हम कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह नहीं है दुर्गेश्वरी, हम तो शक्ति। आज तो तूने मुझे छल कपट से बंदी कर दिया है, लेकिन एक बार मुझे इस बंधन से मुक्त कर दे, फिर देख, अगर तुम सबका एक एक करके रक्त नहीं बहाया तो मेरा नाम भी दुर्गेश्वरी नहीं। अब तुम अपने प्राणों की चिंता करो दुर्गेश्वरी, क्योंकि आज के बाद रूपनगर के जंगल में तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। सैनिकों, इसे ले चलो। आज हम इसे कुंवर परमवीर सिंह को सौंप देंगे, जो इससे चुन चुन कर बदला लेंगे। सैनिकों, ले चलो इसे।
बीच जंगल में क्यों रोक दिया? वो देखो, पशुराज आ रहा है। पलटकर भागो, अन्यथा वो हम सबको मार डालेगा। विधाता ने मेरी रक्षा करने के लिए मेरे धर्म भाई को भेज दिया, किंतु ये सब उसे देखकर इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? और उसे पशुराज क्यों बुला रहे हैं? तुम सब पत्थर की मूर्ति बने यहाँ क्या खड़े हो? हमारे बंदूक को उठाकर भाग चलो। अगर वो दुष्ट पशुराज की दृष्टि हम पर पड़ गई, तो हम सब मारे जाएंगे। भागो। दुर्गेश्वरी सैनिकों के घेरे में। दुर्गेश्वरी, इतने घबराए हुए कहां से चले आ रहे हो? शीघ्र बताओ, तुम्हारे भयभीत होने का कारण क्या है? कारण वो पशुराज है हुजूर, जिसने आकर हमारा सारा कार्य बिगाड़ दिया। पशुराज? ये पशुराज तुम्हें कहां मिल गया? पशुराज रूपनगर के सीमा तक पहुंच गया हुजूर, और दुर्गेश्वरी भी उसका साथ दे रही है। दुर्गेश्वरी यहां आ चुकी है? और ये पशुराज, ये दुर्गेश्वरी का साथ क्यों दे रहा है? भैरवी ने अकेले ही दुर्गेश्वरी को मूर्ख बनाकर उसे अपने चंगुल में फंसा लिया था हुजूर। हम जैसे ही डाकू दुर्गेश्वरी को बंदी बनाकर आपके पास ला ही रहे थे कि वहां पे हमें वो पशुराज मिल गया, और उसने दुर्गेश्वरी की सहायता करने के लिए ललकार कर हमारी ओर भागने लगा। हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर लौटे हैं। वो लोग अभी तक रूपनगर की सीमा के समीप ही होंगे। लगता है हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, इसलिए दुर्गेश्वरी फिर से हमारे चंगुल से निकल गई। एक बार, सिर्फ एक बार वो हमारे हाथ लग जाए, फिर देखना हम कैसे उससे चुन चुन कर बदला लेते हैं। भैरवी ने बड़ी चतुराई से अपना कार्य पूर्ण किया था हुजूर, परंतु हमें नहीं पता था कि वो पशुराज दुर्गेश्वरी का साथ दे रहा। अब हमारी समझ में आया, क्योंकि ये पशुराज दुर्गेश्वरी का साथ दे रहा है, वो हमारी ओर अकेले बढ़ने का साहस कर रही है। किंतु हमारे समझ में ये नहीं आ रहा कि पशुराज एक डाकू का साथ क्यों दे रहा है, और दुर्गेश्वरी उस पशुराज को कैसे जानती है। इसका पता तो हमें तब चलेगा हुजूर, जब दुर्गेश्वरी को हम फिर से बंदी बना लेंगे। दुर्गेश्वरी मेरी परम शत्रु बन चुकी है, जब से उसने मंत्रीवर रणवीर सिंह को घायल किया है। मौका मिलते ही मैं उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगी। अब हमें दुर्गेश्वरी और उस पशुराज पर दृष्टि जमानी होगी, कहीं ऐसा ना हो हमारी अनुपस्थिति में वो लोग महल पहुंच जाए और सूर्य प्रताप सिंह को हमारे चुंबल से छुड़ा कर ले जाए। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे हुजूर, क्योंकि हमारे गुप्तचर रूपनगर की सीमा के चारों ओर फैले हुए हैं, और वो दोनों उनकी दृष्टि से बचकर नहीं निकल सकते। हमारे गुप्तचर दुर्गेश्वरी का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक वनराज उसके साथ है।
उस वनराज में इतनी अलौकिक शक्तियां हैं कि उसे अपने वश में करना असंभव है। वनराज को आगे बढ़ने से रोकने का उपाय आप ही बता दीजिए हुजूर। अगर अधिक विलंब हो गया तो हमें बहुत हानि उठानी पड़ सकती। इस समय तो हमें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, किंतु किसी भी मूल्य पर उन्हें हमें आगे बढ़ने से रोकना होगा। यदि पशुराज और दुर्गेश्वरी पर हमारी पूरी सेना मिलकर आक्रमण करे तो कुछ हो सकता है हुजूर। अब तो हमें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि दुर्गेश्वरी को पकड़ने का ये एक अंतिम उपाय है। विक्रम सिंह, तुम भैरवी को लेकर जाओ और उसी स्थान पर तैनात हो जाओ जहां तुमने दुर्गेश्वरी और उस पशुराज को देखा था। और हम भारी गोला बारूद और चुने हुए सिपाही लेकर आते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि जब तक हम लौट कर ना आए, दुर्गेश्वरी और पशुराज किसी भी मूल्य पर रूपनगर की सीमाओं को पार ना कर पाए। मुझे नहीं लगता उस स्थान पर अब पशुराज और दुर्गेश्वरी हमें मिलेंगे। हमारे भागने के पश्चात वो रूपनगर की सीमा की ओर निकल गए होंगे। अवश्य, अब तक तो वो दोनों वो स्थान छोड़कर निकल चुके होंगे। परंतु कुंवर परमवीर सिंह ने जो आदेश दिया है उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि कुंवर परमवीर सिंह ने हमें उन दोनों पर दृष्टि रखने को क्यों कहा है। दुर्गेश्वरी और पशुराज इतने मूर्ख तो है नहीं कि अब तक उसी स्थान पर खड़े होकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब तक तो वो दोनों रूपनगर की सीमा की ओर प्रस्थान भी कर चुके होंगे। तुम ठीक कहते हो विक्रम सिंह, अब हमें दुर्गेश्वरी और पशुराज को ढूंढकर कोई फायदा नहीं होगा, वो बहुत दूर निकल चुके होंगे। यदि वो दोनों हमें मिल भी गए तो हम उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। उस पशुराज के सामने आना तो अपनी मृत्यु को पुकारने के समान है। जिस पशुराज का नाम सुनते ही कुंवर परमवीर सिंह भी घबरा गए तो हम क्या चीज है। अब हमें प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर चलना होगा। तुम ठीक कहते हो, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए या हम वापस लौट चले। यदि वापस लौट गए तो कुंवर परमवीर सिंह की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, इसका हमें भारी दंड भी मिल सकता है। और अगर आगे बढ़े तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वह पशुराज हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। हमें इनमें से कोई बीच का मार्ग अपनाना होगा। कोई ऐसी योजना अपनानी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। समस्या गंभीर है, अब तो हमें एक ही मार्ग सुरक्षित लगता है। यदि हम यहीं कहीं छुपकर उस पशु पर दृष्टि रखेंगे तो अच्छा होगा। अब हमें किसी भी मूल्य पर उस पशुराज के सामने नहीं आना चाहिए। तुम्हारी योजना बहुत सटीक है। जब तक स्वयं कुंवर परमवीर सिंह यहाँ नहीं आ जाते तब तक हमें यहीं कहीं छिपे रहना होगा। जब वो आकर यहाँ का मोर्चा संभालेंगे तो हम आगे की योजना पर विचार करेंगे। सैनिकों, सब लोग सतर्क हो जाओ। यहां से वो स्थान आरंभ होने वाला है जहां कहीं भी हमें डाकू दुर्गेश्वरी और पशुराज मिल सकते हैं। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उन पर पड़े हमारे शत्रुओं को तत्काल समाप्त कर देना। चलो। लोग यहां
हमने तो तुम्हें रूपनगर की सीमा के समीप दुर्गेश्वरी और उस पशुराज पर दृष्टि रखने के लिए कहा था, तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम उस स्थान से लौट आए हुजूर, जहाँ हमने पशुराज और दुर्गेश्वरी को छोड़ा था, पर अब दूर दूर तक वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए, तो ये दोनों दुष्ट कहाँ लुप्त हो गए? कहीं हमारे भय से भाग तो नहीं गए? नहीं हुजूर, अगर वो रूपनगर की सीमा के विपरीत और भागते तो हमें पथ पर अवश्य मिल जाते। हमें लगता है वो रूपनगर की सीमा की ओर आगे बढ़ गए। यदि वो लोग रूपनगर पहुंच गए तो हम संकट से घिर जाएंगे। महाराज को भी हमारे गुप्त षड्यंत्रों का पता चल जाएगा। यदि ऐसा हो गया तो रूपनगर पर राज करने का हमारा अधूरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप निराश क्यों होते हैं हुजूर? आज तक कोई आपके हाथों से बचकर लौटा है? पशुराज और दुर्गेश्वरी रूपनगर की सीमा पर पहुंचने से पहले ही आपके हाथों मारे जाएंगे। वो रूपनगर की ओर आगे बढ़ तो गए हैं, किंतु वो दोनों ये नहीं जानते कि मृत्यु लगातार उनका पीछा कर रही है, और वो वापस भी नहीं लौट सकते क्योंकि हमारे सैकड़ों सैनिक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो उन्हें देखते ही उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम दोनों ठीक कह रहे हो, वो दोनों अब तक रूपनगर के जंगल की सीमाओं में घिर चुके होंगे। हमें तत्काल रूपनगर के लिए कूच करना होगा। पथ में कहीं ना कहीं तो वो हमें अवश्य दिखाई देंगे। सैनिकों, तीव्र गति से रूपनगर की ओर बढ़ो, चलो। आज दुर्गेश्वरी और पशुराज का अंत होने वाला है। तुम सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आज हमारे समस्त शत्रु हमारे सामने आ गए हैं। मेरा संदेश सही निकला। जो सैनिक डर के मारे हमें छोड़कर भाग गए थे, वो रणवीर सिंह के सैनिक को लेकर वापस लौट आए हैं। अब हमारे पास बहुत कम गोला बारूद बचा। दुर्गेश्वरी, हमें अपना प्रत्येक अस्त्र सोच समझ के उपयोग में लाना होगा। तुम चिंता मत करो कुंवर, दुर्गेश्वरी बिना अस्त्र के भी लड़ सकती है। अब हमें अपने शत्रुओं को रणनीति बनाकर समाप्त करना होगा। तुम सब लोग पशुराज को मारने का प्रयत्न करोगे, उस पर अपना निशाना साधकर हथगोले बरसाओगे। यदि पशुराज समाप्त हो गया तो दुर्गेश्वरी और विजेंद्र प्रताप सिंह को पकड़ने में हमें बहुत आसानी होगी। अचानक यहाँ? हमने तो तुम्हें वैद्य की कुटिया पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया था, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? मंत्रीवर का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ गया है, उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है।
इसलिए वैद्यराज ने तत्काल आपको बुलाने के लिए मुझे भेजा है। ये तो कैसी सूचना लाए हो जयचंद? भाई जी के स्वास्थ्य को अचानक क्या हो गया? अब तो हम दुविधा में पड़ गए हैं। एक तरफ भाई जी की मृत्यु और जीवन का सवाल है और दूसरी ओर दुर्गेश्वरी और उसके गिरोह को जीवित पकड़ने का मौका। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को पकड़ने में या समाप्त करने में बहुत समय लग सकता है हुजूर, किंतु आपको कुटिया में पहुंचने में देर हो गई तो अनर्थ हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो जयचंद, हमें इस समय भाई जी के साथ रहना चाहिए। हम इसी समय इस रणभूमि को छोड़कर वैद्य की कुटिया की ओर प्रस्थान करेंगे। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए हुजूर, आप वैद्यराज के कुटिया की ओर प्रस्थान कीजिए, यहाँ का मोर्चा हम संभाल लेंगे। भैरवी ठीक कह रही है हुजूर, आप निश्चिंत होकर वैद्यराज की कुटिया को लौट जाइए। हम किसी भी मूल्य पर इन लोगों को रूपनगर की सीमा की ओर आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुम लोगों का साहस देखकर हमें विश्वास हो गया है कि हमारे शत्रु आज बचकर नहीं निकल सकते। किसी भी मूल्य पर ये रूपनगर की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। हम भाई जी का स्वास्थ्य जानकर शीघ्र ही लौटते हैं। चलो जयचंद। अब आगे का मोर्चा हम दोनों को ही संभालना होगा। बैर सैनिकों आक्रमण! हुजूर, आप इतना घबराए हुए इतनी शीघ्रता से कहां चले जा रहे हैं? हम दोनों तो आप ही से मिलने के लिए आ रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम दोनों हमें उचित समय पर मिल गए। हमें तुम दोनों की बहुत आवश्यकता है। बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? हमने उस पशुराज और दुर्गेश्वरी को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु पता नहीं वो दोनों कहां छिपे बैठे हैं। हम उन दोनों को अतिशीघ्र ढूंढ लेंगे। अब तुम्हें डाकू दुर्गेश्वरी को खोजने की आवश्यकता नहीं है राजवीर, क्योंकि डाकू दुर्गेश्वरी हमें मिल गई है। डाकू दुर्गेश्वरी मिल चुकी है? हुजूर, कहाँ है हमारी शत्रु? आप एक बार हमें उसका पता बता दीजिए, फिर देखिए हम उसे किस तरह तड़पा तड़पा कर समाप्त करते हैं। डाकू दुर्गेश्वरी अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे सैनिकों से युद्ध कर रही है। अब वो रूपनगर की सीमाओं के समीप गुप्त जंगल में है। क्या हमारे सैनिक डाकू दुर्गेश्वरी के साथ लड़ रहे हैं? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं आप दुर्गेश्वरी से लड़ते लड़ते घायल तो नहीं हुए? मेरा मतलब है कहीं आपको चोट तो नहीं आई जो आप यहाँ वापस लौट आए हैं? नहीं, कुंवर परमवीर सिंह युद्ध में घायल नहीं हुए हैं। मंत्री व रणवीर सिंह का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, इसलिए इन्हें रणभूमि छोड़कर वैद्यराज की कुटिया में मंत्रीवर को देखने जाना पड़ रहा है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हमारे मंत्रीवर को अतिशीघ्र स्वस्थ कर दो, चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु उनके कष्टों को दूर कर दीजिए। ईश्वर, दूर कर दीजिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि मंत्रीवर अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, दुर्गेश्वरी और उसके साथियों को हम देख लेंगे। महामहिम ठीक कह रहे हैं हुजूर, जिस दुर्गेश्वरी ने हमारे मंत्रीवर को घायल किया है, जब तक हम उसे और उसके साथियों को ढूंढ नहीं लेते और उनसे बदला नहीं ले लेते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज या तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे या फिर उसे समाप्त कर देंगे। हमें तुम दोनों के शौर्य पर पूर्ण विश्वास है। अब तुम दोनों को समय नष्ट किए बगैर तत्काल रणभूमि की ओर प्रस्थान करना चाहिए और हम भाई जी का स्वास्थ्य जानकर तत्काल लौटते हैं। चलो जयचंद।